लगातार हर जगह पे महिला हिंसा, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको देखते हुए सरकार ने हर ज़िले में लगभग 4 सालों से पुलिस द्वारा एंटी रोमियो टीम बनाई, जिससे छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पे रोक लग सके। लेकिन क्या ये एंटी रोमियो टीम सही तरीके से काम कर रही है? किस तरह से छेड़छाड़ जैसे मुद्दों पे रोक लगा रही है? जो अगर छेड़खानी करते हुए कोई लड़के पकड़े जाते हैं तो उनके साथ किस तरह की कार्रवाई की जाती है, आइए जानते हैं कुछ लड़कियों से। तो एंटी रोमियो के बारे में आपको क्या जानकारी है? कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। अभी किस तरह की, जैसे आने जाने में अगर कोई दिक्कत होती तो आप कहाँ सूचना दोगे, कहाँ देते? आने जाने दिक्कत होते ज़्यादातर पुलिस में ही जाते हैं, उसमें कॉल करते हैं क्योंकि कोई नॉलेज तो है नहीं ये सब उसके बारे में। तो क्या कितना मतलब मदद मिल पाती है अगर पुलिस को फ़ोन किया, कभी इस तरह की घटना हुई है? मदद नहीं मिल पाती है, कहीं लेट हो गए हम लोग को कोई ठिकान नहीं रहता है, जैसे कॉल किए तो इतनी जल्दी तो आ नहीं जाती पुलिस। किस तरह की घटनाओं का डर रहता है? बस ऐसे ही घटना का, जैसे कहीं निकल के जाते हैं बाहर और लड़के छेड़छाड़ हमारे साथ कर दिए, तो अब यही डर रहता है, तो इसलिए कहीं कॉलेज जाओ तो डर बना ही रहता है इसका। एंटी रोमियो के बारे में क्या जानकारी है और किस तरह से आपको जानकारी मिली है और क्या फ़ायदे उससे नज़र आ रहे हैं? हम स्कूल में हमारे गई थी टीम, वहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर आपको कोई रास्ते में छेड़खानी करता है तो आप अगर नहीं बता सकते हैं तो हमारे स्कूल में एक डिब्बा लगवाया गया है, आप उसमें लिख कर डाल सकते हैं तो हमारी सहायता करेंगे। अब में पहले में कितना फ़र्क आया है? जैसे पहले आप कॉलेज से निकलती थी तो स्कूल से निकलती थी, क्या वहाँ पे लड़के खड़े मिलते थे और अब मिलते हैं या नहीं? हाँ, पहले खड़े मिलते थे और जब हम लोग निकलते थे तो उल्टा सीधा मतलब बोलने लगते थे, अब नहीं इस तरह होता है। आपको कभी कहीं पे दिखी है वो टीम? नहीं मैम, अभी हम गांव से है ना इसलिए मैम अभी नहीं, नहीं। तो कहा तो जा रहा है ना कि गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने आपके गांव आए हैं? नहीं मैम, अभी हमारे गांव नहीं आए। किसी तरह की जानकारी दी गई किसी के द्वारा? नहीं अभी जानकारी नहीं दी गई हमें। अगर रास्ते में कोई लड़का छेड़ता है तो हम उसका विरोध करेंगे, हो सकेगा तो वो अगर हमें कुछ कहता है तो हम उसको मार भी सकते हैं और जैसे हमारे अपनी रक्षा कर सकते हैं और पुलिस को भी बुला सकते हैं और पुलिस से कांटेक्ट करके उन्हें सारी बातें बता सकते हैं और अपनी रक्षा स्वयं अपने हाथ से कर सकते हैं। जैसे हमारे ज़िले में जगह जगह एंटी रोमियो की टीम तैनात रहती है, उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है छेड़छाड़ जैसे केसों में? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, बालिकाएँ निर्भीक हो गई हैं, बालिकाएँ रास्ते में जाते हुए जब बच्चे उनको परेशान करते हैं छेड़ते हैं तो वो अब उनको मारने पर आमादा हो जाती हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं करने की क्षमता रखने लगी हैं। पहले लड़कियां संकोच करती थीं, संकोच बस कुछ कह नहीं पाती थीं, डरती थीं, अपने अभिभावक को नहीं बताती थीं, अपने विद्यालय पे नहीं बताती थीं। अब जो है जागरूकता फैली है और वो जैसे कोई घटना घटी वो ऐसे आक्रमण बच्चे के ऊपर करती हैं और उनको पकड़ करके पुलिस के या तो परिजनों के हवाले करती हैं और वो निर्भीक हो गई हैं। समाज में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बची है जिससे वो अपने को सुरक्षित न कर सकें। तो आप एक शिक्षक हैं और जिस तरह से एंटी रोमियो का प्रचार प्रसार रोज सुनने को मिल रहा है, क्या वो इस तरह का काम कर रही हैं जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए हो? एंटी रोमियो जब लॉन्च हुआ तब तक तो वो खूब दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया जैसे किसी कंपनी का एड दिखाया जा रहा हो और ऐड खूब किया गया टीवी के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, लेकिन ज़मीनी हकीकत में मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है वो कहीं भी। पुलिस अपनी वाहवाही खूब करती है और उसका मुझे आज तक कहीं नहीं दिखाई दिया। अगर ऐसा होता एंटी रोमियो तो ये तमाम इस तरह की जो घटनाएं लगातार अभी मौके पे हो रही हैं, हमने देख रहा पिछले कुछ दिनों में बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, वो क्यों हो रही हैं अगर एंटी रोमियो है ही नहीं, सक्रिय नहीं है? शासन के पास सिस्टम तो बहुत कुछ है, नियम बहुत कुछ है, ये बना दो वो बना दो, लेकिन उसको धरातल पे कैसे चलाया जाए ये सिस्टम में फेल है। और हेल्पलाइन नंबर जो महिलाओं के लिए दिए जाते हैं, लड़कियों के लिए दिए जाते हैं, वो नंबर कितना काम करते हैं? वो नंबर जितने ये हेल्प नंबर हैं ये आप मान लीजिए कि कभी एक पैसे कोई किसी प्रकार की कोई मदद नहीं होगी, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। यहाँ एक 100 नंबर को लिए मैंने फ़ोन किया कि 2 पक्षों में लड़ाई चल रही है, 100 नंबर मैंने पुलिस को डाल किया, पुलिस वाला मेरा फ़ोन होल्ड में रख दिया, उसको ये पता नहीं चला कि फ़ोन मैंने काट दिया, तो मुझसे कहता अपने दरोगा से कि साला फ़ोन ही नहीं उठा रहा जिसने शिकायत की, बताइए ये मतलब। हाँ, अगर हम समाज की सेवा करना चाहते हैं तो पुलिस हमारा अपमान कर रही है,
ऐसे में पुलिस से क्या अपेक्षा किया जा सकती है? एंटी रोमियो वगैरह सब ये खाना पूर्ति है, बाकी कुछ नहीं है। मैम, जब से एंटी रोमियो टीम गठित की गई है तो क्या कुछ फर्क आया है, जैसे छिछोरे लड़के या इस तरह के लड़के खड़े होते हैं छेड़छाड़ जैसी घटनाओं में? नहीं, काफ़ी इसमें अंतर आया। एंटी रोमियो टीम तो बहुत पहले से है, संचालित है और हर जिले में यूपी में, और इसके टीम के द्वारा काफ़ी पहले, अभी तो लॉकडाउन में स्कूल बंद थे नहीं, पहले स्कूल में या कॉलेज में जो भी था सामने गेट पर कुछ खड़े रहते थे तो उनको एंटी रोमियो टीम के भ्रमण करने की वजह से काफ़ी कमी आई थी छेड़खानी है इस सब प्रकरणों में। और एंटी रोमियो टीम तो अब गाँव में भी महिलाओं के प्रचार के लिए जैसे मिशन शक्ति या इस तरह में एंटी रोमियो टीम के अंतर्गत आती है, और जो हेल्पलाइन उसके अंतर्गत ही महिलाओं की जागरूकता और उसके वजह से तो इसमें उनकी सुरक्षा की भावना भी महिलाओं में बढ़ी है, और इसके तहत अंतर्गत काफ़ी छेड़खानी इस तरह के रोज़मर्रा में जो कभी कभी शिकायतें आती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। जैसे छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को पकड़ा जाता है तो उनको किस तरह की जानकारी, किस तरह समझाया जाता है, क्या किया जाता है उनके साथ? अभी छेड़खानी करते हुए लड़कों को तो हम लोगों ने अभी नहीं देखा है। अब जैसे जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे उनको नहीं खड़े होना चाहिए, कभी दुकानों पे अकारण बिना कारण के खड़े होने वालों को लड़कों पूछताछ करके उनको हिदायत देकर और उनसे उनके माता पिता के सुपुर्दी भी की गई है, और कि भविष्य में इस तरह के ना खड़े हों अकारण जहाँ स्कूल के पास या कहीं पर भी, तो हिदायत देके और उनको छोड़ दिया गया है भविष्य के लिए। अगर दोबारा इस तरह के करते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किन किन चौराहे में टीम रहती है? तो ऐसे भी भीड़ भाड़ के जैसे चकरई चौराहा है और ट्रैफिक चौराहा है, पटेल तिराहा है, या मॉल जो है बाजार में बस स्टॉप है, और इधर रामघाट की तरफ भी हम लोग भी जाते हैं, और काफ़ी जहाँ भी भीड़ भाड़ इलाके बाजार इस समय भी हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। देश की एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।